कभी बीजेपी के करीब रहे तो कभी जेडीयू के उपाध्यक्ष के तौर पर नंबर दो के नेता माने जाने वाले और वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस और तेलंगाना राष्ट्र समिति जैसी पार्टियों के लिए काम करने वाले प्रसिद्ध चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर जल्द थाम सकते हैं कांग्रेस का हाथ। जी हां साथियों, पार्टी के ज्यादातर नेता उन्हें पार्टी में शामिल करने के पक्ष में हैं। उनके विधानसभा और लोकसभा चुनाव की रणनीति की कार्य योजना का अध्ययन करने के लिए गठित समिति ने पार्टी अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में उनको पार्टी में शामिल करने पर सहमति जताते हुए पार्टी नेताओं ने कहा है कि उन्हें दूसरे राजनीतिक दलों से खुद को अलग करना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रदूत अखबार में छपी खबर के अनुसार G23 के वरिष्ठ नेताओं को अपना महत्व कम होने का भय है। इस भय के कारण ये नेतागण पीके को पार्टी में शामिल करने के पक्ष में नहीं है। जहां कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी इस बात की जी तोड़ कोशिश कर रही हैं कि चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की योजनाओं को लेकर पार्टी में सर्वसम्मत बन जाए, वहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वरिष्ठ पार्टी नेताओं के मन में बदलाव के प्रतिरोध की आशंका तथा एक अज्ञात भय समाया हुआ है तथा ये दोनों चीजें देश की इस प्राचीनतम पार्टी के पुनरुद्धार के रास्ते में बाधक बन रही। किशोर की योजना को लेकर वरिष्ठ नेताओं में एक गंभीर मतभेद है। G23 के नेता इस पार्टी में अपनी प्रासंगिकता के लिए खतरे के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि उनकी जरूरत पार्टी की आगामी योजना में रहेगी या नहीं रहेगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी स्वीकार किया है कि पार्टी में काफी विवाद है पीके को पार्टी ने शामिल कराने के बारे में, पर दिग्विजय सिंह ने यह भी स्वीकार किया है कि पीके का कांग्रेस के लिए तैयार किया मास्टर प्लान काफी प्रभावशाली होगा। दूसरी ओर पीके को कांग्रेस में शामिल करने के पक्षधर कह रहे हैं कि किसी पार्टी व देश को पुनः जागृत कराने में सबसे बड़ी भूमिका युवाओं की होती है और पीके को कांग्रेस में शामिल करने से स्पष्ट संदेश जाएगा कि कांग्रेस में युवा व मेहनती लोगों को उचित स्थान जरूर मिलता है और इसी का प्रमाण है कि पीके को पार्टी में वरिष्ठ स्थान दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि प्रशांत किशोर कई राजनीतिक दलों के साथ काम कर रहे हैं, इनमें तृणमूल कांग्रेस और तेलंगाना राष्ट्र समिति शामिल हैं। हम चाहते हैं कि वह दूसरे दलों से खुद को अलग कर पूरी तरह सिर्फ कांग्रेस के लिए काम करें। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी जल्द इसका औपचारिक ऐलान कर सकती हैं। पार्टी के अंदर उनकी भूमिका कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी के साथ चर्चा के बाद तय की जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने भी कुछ मांग कांग्रेस पार्टी से रखी हैं। प्रशांत ने भी अपनी तरफ से कुछ मांग रखी हैं, उनमें से प्रमुख हैं कि वह अपनी कार्य योजना को लागू करने के लिए फ्री हैंड चाहते हैं। पार्टी के एक नेता ने कहा कि प्रशांत सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष को रिपोर्ट करना चाहते हैं, इसके साथ वह चुनावी राज्यों में रणनीति को लागू करने के लिए जरूरी अधिकार भी चाहते हैं। अंतिम फैसला इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इसी सिलसिले में बुधवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दिल्ली पहुंचे और प्रशांत किशोर की मौजूदगी में सोनिया गांधी के निवास पर दोनों राज्यों में कांग्रेस की रणनीति पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि राहुल गांधी की मौजूदगी में भी 10 जनपद पर हुई बड़े नेताओं के साथ पहली ही बैठक में प्रशांत किशोर ने अपने प्रेजेंटेशन में उन राज्यों में दूसरे क्षेत्रीय दलों से गठबंधन की पैरवी भी की थी जहाँ जहाँ कांग्रेस कमजोर है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो पाते हैं या नहीं, और अगर शामिल हो जाते हैं तो यह कांग्रेस के लिए कितने फायदेमंद साबित होंगे या नुकसानदायक, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल मेरे और आप सभी के जहन में भी होंगे कि आखिर एक व्यक्ति इतनी पार्टियों के लिए इतने महत्वपूर्ण पद पर यानी कि चुनाव रणनीतिकार के रूप में कार्य करता है, उससे लोकतंत्र को फायदा होगा या नुकसान, यह भी अभी कह पाना आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी 2014 में जिस प्रकार से केंद्र की सत्ता में काबिज हुई
और एक के बाद एक भाजपा के जुमले जनता की समझ में आए, चाहे वह काले धन का मामला हो या 15 लाख रुपयों का मामला हो, 500 स्मार्ट सिटी की बात हो या बुलेट ट्रेन की बात हो। इन चुनावी रणनीतिकारों का काम कहीं इस प्रकार के जुमलों द्वारा पार्टियों के लिए वोट खींचना ही इनका मुख्य उद्देश्य तो नहीं है। आपको क्या लगता है, ये चुनाव रणनीतिकार राजनीतिक पार्टियों को विभिन्न प्रकार के जुमले तैयार करा करके आम जनता से वोट बटोरने के लिए प्लान बनाना ही इनका मुख्य कार्य होता है? अपने सुझाव और अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता आवाज, दिल्ली।